सो गाइज दिस इज होंडा एलिवेट वी वेरियंट, तो बहुत ही बढ़िया फ्रंट फेशिया के साथ जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ आपको पर्ल व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करेंगे सेंटर के साथ। सबसे पहले सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको ब्लैक मैट कलर में ग्रिल प्रोवाइड कराई गई है बड़ी सी, और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको एलईडी में DRLs ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि हाई बीम में वर्क करेंगे, और यहाँ पर 4 पॉइंट्स जो कि लो बीम में वर्क करेंगे, और उसके साथ यहाँ पर आपको DRL का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है अलॉन्ग विथ इंडिकेटर्स जो कि एलईडी में अगेन प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये फिटेड नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इसको आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो या फिर आप कंपनी से एक्सेसरी के फॉर्म में इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी आपको ब्लैक मैट कलर में ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ इसकी जो स्किड प्लेट है उसकी फिनिश सिल्वर कलर के साथ कंप्लीट करी गई है। तो ये है इसका फेशिया जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है बल्कि लुक के साथ। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके फ्रंट प्रोफाइल को, अब देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को। दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 220 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है, और रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए, और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। यहाँ की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। ये ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फंक्शन के साथ प्रोवाइड कराया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ रूफ रेल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग ही मोटी सी प्रोवाइड कराई गई है जो कि मर्ज होके टायर की तरफ जा रही अच्छी लग रही है। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो वो है 16 इंचेस। स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ तो 215/60/8/16। और सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और ये गुड ईयर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये है कार की साइड प्रोफाइल। अब देख लेते हैं इसके रियर को। तो ये है इसकी रियर की लुक। अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट दी गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आऊँ तो होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया जो मर्ज होकर टेल लाइट्स की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आपको LED में टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। वी वेरिएंट में यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको एलिवेट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश के साथ, और उसके साथ यहाँ पर आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर के देखने को मिल जाएंगे, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। उसके साथ ये है इसकी स्किड प्लेट की लुक जिसको कि सिल्वर कलर के साथ फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर भी आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको IVTEC की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो हमने अब देख लिया एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड गेट के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, तो ब्लैक विथ बीच का कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। सारा यहाँ पर आपको हार्ड मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में डोर हैंडल प्रोवाइड कराया गया है, और साथ में यहाँ पर आप विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर आपको ORVM के लिए स्विच दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस दी गई है। अगर मैं इसके स्पीकर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे बाय Alpine। ड्राइवर साइड सीट को देखें तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विथ रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन। तो ये है अंदर की केबिन की लुक। अब चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसकी लुक को। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिल जाएगी डुअल कॉम्बिनेशन के साथ, तो ब्लैक एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करा गया है, और यहाँ पर आपको दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन ही प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप प्रोवाइड करा दी गई है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको हार्ड मटेरियल दिया गया ब्लैक कलर में। यहाँ पर टेक्सचर फिनिशिंग दी गई है, बीच कलर की कॉम्बिनेशन यूज की गई है, और यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाएगा एक अच्छी कैपेसिटी के साथ। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 8 इंच का टचस्क्रीन यूनिट प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि काफी सारे फंक्शंस के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में हजार्ड का बटन, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 USB के पोर्ट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए। यहाँ पर स्पेस दी गई है, और इधर 2 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हैंड ब्रेक दी गई है, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है।
अगर मैं इधर आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आरपीएम मीटर, सेंटर में एमआईडी का ऑप्शन, यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिख रही होगी और साथ में आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग नहीं देखने को मिलेगी, नॉर्मल ही मिलेगा सर्कुलर शेप में। सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें बोथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है और इधर की तरफ आपको वाइपर का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन एंड हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है और नीचे आपको बोनेट ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको तीन पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मैनुअल आयरवीएम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको दो लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसकी बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की, तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा विच इज वेरी गुड। अब पीछे का केबिन चेक करते हैं तो खोलते हैं इसका डोर, तो यहाँ पर आपको सेम फंक्शन आगे वाला ही देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट वन, यहाँ पर आपको एक विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। अब चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके कम्फर्ट को। वी वेरिएंट में आपको पीछे पार्शियल ट्रे का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिल जाएगी डुअल कॉम्बिनेशन के साथ, तो ब्लैक एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है। जो पीछे के दोनों हेडरेस्ट है यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ही प्रोवाइड कराए गए हैं और आपको 3-point सीट बेल्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की सॉकेट की प्लेसमेंट दी गई है। अगर मैं इसके लेग स्पेस या नी रूम की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कम्फर्टेबल फैक्टर इस गाड़ी में डेफिनेटली लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि फ्रंट सीट में यहाँ पर भी दिया गया है, को ड्राइवर सीट में, और यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा पीछे की सीट में। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप देखने को मिल जाएगी, तो ये है इसकी रीडिंग लैंप। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ वी वेरिएंट जो कि अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसका इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि 119 bhp की पावर एंड 145 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो वो है 16.92 kmpl जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की, तो अगर मैं इसके एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो वो अभी नहीं हुई है, लेकिन इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, चाइल्ड सीट एंकरेज, सीट बेल्ट वार्निंग एंड ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। गाइज ये है कार की तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है विद कीलेस एंट्री, सेंटर में होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक का फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 12,19,000 रुपए और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो वो आपको कॉस्ट करेगी 14,23,000 रुपए दिल्ली में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।